अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर फ्रेश एपिसोड ऑफ लेटेस्ट टेक न्यूज एंड दिस इज मोहम्मद अली। हमेशा की तरह आज भी लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए बहुत तबाही तबाही टेक न्यूज। लेकिन इस टेक न्यूज में एक न्यूज ऐसी है जिसको सुन के मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आया, और डेफिनेटली अगर आप पाकिस्तानी है तो ये न्यूज सुन के आप लोगों को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आने वाला है। और इस हवाले से मैं अपनी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कहूंगा कि हम आपके साथ हैं, जो भी आप फैसला लेते हैं बिल्कुल फैसला लीजिएगा कौमी मफाद में, और हम आपके साथ खड़े हैं और इस को सीरियस लेना चाहिए। खैर बताता हूं आगे चल के इस न्यूज के बारे में। पहली न्यूज की बात कर लेते हैं। PFCCI एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तरफ से रिसेंटली एक रिपोर्ट खुल के सामने आई है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जो पाकिस्तानी है ना उनके पास तकरीबन $20 बिलियन प्लस के क्रिप्टो एसेट्स हैं। नाउ दैट इज रियली अ बिग नंबर, $20 बिलियन। OMG, मतलब आप देख सकते हो कि भाई कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया हुआ है। और आपको पता है आजकल क्रिप्टो का काफी ज्यादा क्रेज चल रहा है, और काफी न्यूज तो यह भी आ रही है कि इन फ्यूचर क्रिप्टो जो है ना वो पेपर करेंसी और डॉलर को ना रिप्लेस करने वाली है। क्या सच में ऐसा होने वाला है ये तो आगे चल के पता चलेगा, लेकिन $20 बिलियन पाकिस्तानियों कहां से लाते हो इतना पैसा। वैसे अगर आप पहली मरतबा हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, लेटेस्ट पाकिस्तानी और इंटरनेशनल टेक न्यूज आपको मिलती रहेंगी जैसी हम अपलोड करेंगे। और भाई Realme GT2 सीरीज आपको पता है फाइनली आ रही है, 4 जनवरी को 2022 को इसका ऑफिशियल लॉन्च है, और पाकिस्तान में भी जनवरी के महीने में ही एक्सपेक्टेशंस हैं। लेकिन यहाँ पे फाइनली इसकी फर्स्ट लुक रिवील हो चुकी है। मतलब आप देख सकते हैं बैक का डिजाइन काफी ज्यादा अच्छा है, दो बड़े बड़े कैमरा मॉड्यूल आपको देखने को मिलेंगे, ओवरऑल ट्रिपल कैमरा सेटअप है, और इनमें ये जो दो बड़े बड़े कैमराज हैं ये 50-50 मेगापिक्सल के कैमराज हैं। ओवरऑल अच्छा डिजाइन लग रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस मरतबा इन्होंने पेपर वाला डिजाइन दिया, मतलब पेपर नहीं है, पेपर टेक्सचर आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल एक बेहतरीन डिजाइन है, पाकिस्तान में आने वाली है ये डिवाइस, इसलिए हम इसको काफी ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं, और आएगी डेफिनेटली इसको कवर भी हम कर देंगे। वैसे अगली जो न्यूज है वो सुन के आप लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आने वाला है, जिसके बारे में मैंने शुरू में बताया था। जी हाँ, इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ, मैं इंडियन लोगों के खिलाफ नहीं बोल रहा, इंडियन गवर्नमेंट जो है, जो RSS है, वो पाकिस्तान के खिलाफ जो उनका जहर है उसको गलने में बिल्कुल भी देर नहीं करती और बिल्कुल भी कोई मौका जाने नहीं देती। इंडियन गवर्नमेंट का एक इदारा है या इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री है इंडिया की, उन्होंने यूट्यूब चैनल को ये कहा है कि हम 20 यूट्यूब चैनल्स और 2 वेबसाइट्स के आप लोगों को नाम बता रहे हैं, और एज सून एज पॉसिबल इन 20 यूट्यूब चैनल और इन 2 वेबसाइट्स को बैन कर दो। क्यों बैन कर दो? क्योंकि ये पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल और पाकिस्तानी वेबसाइट्स हैं, और उनका ये कहना है, इंडियन गवर्नमेंट का ये कहना है कि भाई ये जो यूट्यूब चैनल्स हैं ये एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, यानी इंडियन आवाम को इंडिया के खिलाफ भड़का रहे हैं। अब बताओ इंडियन प्रोपेगेंडा क्या है? ये जो चैनल्स हैं, ये जो चैनल्स हैं इनके जो एडमिन है या ये जो चैनल्स हैं ओवरऑल, ये जो RSS इंडिया में काम कर रहा है और खास तौर पर जो हिंदू मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं उसके खिलाफ बोल रहे हैं, जो इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ बोल रहे हैं, जो कश्मीर में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ बोल रहे हैं, और जो कश्मीर को नाहक कब्जा करके रखा हुआ है भारत ने उसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो इंडिया ने कहा हमारे खिलाफ बोल रहे हैं तो इनको बैन कर दो, और मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि यूट्यूब जो है इन यूट्यूब चैनल को बैन भी करने वाला है। जी हाँ, ये एक बहुत गलत न्यूज है। मतलब अगर हम देखें तो फिर ऐसे हम भी ये कह सकते हैं कि यार इंडिया में बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी आर्मी को बुरा कह रहे हैं, जो पाकिस्तान को गलत, उसकी गलत इमेज पेश कर रहे हैं, तो हम भी ऐसे कह सकते हैं, हमारा तो इतना छोटा जमीर नहीं है। अब इस हवाले से मेरी जो ओपिनियन है वो ये है कि बिल्कुल गलत है। अगर यूट्यूब इस हवाले से हमारे यूट्यूब चैनल्स पर एक्शन लेता है तो मैं कहूंगा कि पाकिस्तान यूट्यूब को बुलाए, यूट्यूब को कहे कि क्यों एक्शन लिया है, और अगर यूट्यूब नहीं मानता तो भले बैन कर दे पाकिस्तान में यूट्यूब को। यूट्यूब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, हमारे लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान है तो सब है, सही है। तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि अगर यूट्यूब इन 20 चैनल, इन ये जो 20 चैनल है इनके कंबाइंड सब्सक्राइबर 3.5 मिलियन है और 50 करोड़ प्लस व्यूज है, सही है, तो ये चीज यहां पर जहन में रखी जाए। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को डेफिनेटली एक्शन लेना पड़ेगा, मुझे काफी ज्यादा गुस्सा है, मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं कि यूट्यूब को बुलाए, और यूट्यूब को अगर बैन करने की भी नौबत आती है इस हवाले से पाकिस्तान में तो बैन कर दिया जाए, इट्स ओके।
आप लोगों के क्या थॉट्स हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक कीजिएगा। 500 लाइक्स का टारगेट रखता हूँ, जल्दी से इस लाइक टारगेट को पूरा करो। और भाई आज फाइनली Xiaomi 12 सीरीज की फुल स्पेसिफिकेशंस आ चुकी हैं, बल्कि आपको पता है फर्स्ट लुक तो पहले रिवील हो चुकी थी, अब इसके ऑफिशियल टीजर्स भी लीक हो चुके हैं और फर्स्ट लुक भी यहाँ पे कंफर्म कर दी गई है। इस तरह की आपको फर्स्ट लुक मिल रही है और टीजर्स में ही यहाँ पे Xiaomi 12 प्रो की स्पेसिफिकेशंस भी आउट हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे आपको LPDDR5 की रैम देखने को मिलेगी, UFS 3.1 की स्टोरेज, 8 Gen 1 यानी Qualcomm Snapdragon 898 का चिपसेट देखने को मिलेगा, और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, HDR10+ का डिस्प्ले, और इसके साथ 6.28 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा। ना छोटा डिस्प्ले है ना बड़ा डिस्प्ले, ओवरऑल कॉम्पैक्ट साइज का डिस्प्ले है। तो ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस अच्छी लग रही है। Q1 2022 में ये डिवाइस पाकिस्तान में भी आ रही है, Xiaomi 12 और 12 Pro दोनों आएंगी और बाद में अल्ट्रा भी आएगी। फिलहाल 28 दिसंबर 2021 को ये चाइना में लॉन्च हो रही है। भाई आज सैमसंग गैलेक्सी A53 जो बहुत जल्द आने वाला है, जनवरी 2022 में लॉन्च होने वाला है पाकिस्तान में, इसके बारे में काफी बड़ी न्यूज आई है और कहा यह जा रहा है कि बल्कि कंफर्म किया जा रहा है कि इसमें आपको दो वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। एक जो होगा A53 वो आपको स्नैपड्रैगन की चिपसेट के साथ देखने को मिलेगा और एक एक्सिनोस के चिपसेट के साथ देखने को मिलेगा। नो और डेफिनेटली अगर एक्सिनोस का चिपसेट है तो एक्सिनोस 1200 का चिपसेट होगा और यही पाकिस्तान में भी आने वाला है। एमोलेड डिस्प्ले होगा, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन इस बारे में यही है कि एक्सिनोस वाला नहीं आना चाहिए, स्नैपड्रैगन वाला आना चाहिए। स्नैपड्रैगन 778G हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर ऐसा हो जाता है सैमसंग तो हम आपको काफी अप्रिशिएट करने वाले हैं। पर आज NTPC सर्टिफिकेशन पर Redmi Note 11 4G लिस्ट हो चुका है और वही स्पेसिफिकेशन है ग्लोबल वेरिएंट वाली, Qualcomm Snapdragon 680, IPS 90Hz रिफ्रेश रेट, 50 मेगापिक्सल कैमरा, 33W फास्ट चार्जिंग, 5000mAh की बैटरी, ओवरऑल एक डिसेंट डिवाइस है। और कहा यह जा रहा है कि भाई ये डिवाइस आपको जनवरी के पहले वीक में देखने को मिलने वाली है, यानी 10th of January से पहले पहले ये डिवाइस पाकिस्तान में भी लॉन्च कर दी जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज प्राइस है, जो लोग वेट कर रहे थे तो वो डेफिनेटली इसका वेट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यही थी आज की टेक न्यूज, उम्मीद है आज की टेक न्यूज आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है सब्सक्राइब कीजिएगा, फर्दर को भी क्वेश्चन कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। बहुत जल्द वीडियो में मिलता है, तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।